नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, बहुत लेट हो गया आज, क्योंकि रात को लेट सोया था और रात को सब्जी चावल बनाया था और दूसरा ड्राइवर सो रहा है अभी रूम में, इसी करके मैं बाहर आया ब्लॉक शूट करने के लिए। और भाई यहाँ पर थोड़ा सही है क्योंकि यहाँ पर रोडों पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। तो अभी मैं कोलगेट भूला था, तो चलते हैं कोलगेट लेने के लिए क्योंकि मार्केट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ का अच्छा है सुबह सुबह, लेकिन ये गांव टाइप है तो इसलिए थोड़ा यहाँ ठंड ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, गाड़ी देखता हूँ बाहर खड़ी है, धुलना है कि नहीं धुलना है, क्योंकि गाड़ी यहाँ आने पर धुलता नहीं हो, लेकिन कल बारिश बहुत हो रहा था इसी करके हो सकता है गाड़ी धुलना पड़े। और पीछे देख सकते हो बहुत सारा लक्कड़ रखा हुआ है। और यहाँ रात को मैं सोचा था कि जला के बैठ कर सेकूँगा हाथ वाथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, रात को टाइम नहीं लगा और सो गया फटाफट। भाई यहाँ चाहे जितना आदमी रह ले, चाहे पूरी लाइफ रह ले, लेकिन उसको सुकून मिलता नहीं है भाई, परदेश में कोई भी परदेशी को। और सबसे अच्छा अपना देश होता है जिस देश का रहने वाला है। दोस्तों अभी मैं आ गया जहाँ पर करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। अभी देख सकते हो बाहर का नज़ारा कैसा है। इन घरों में काफी लोग रहते हैं। मैं पिछली बार आया था दोस्त के साथ, तो मैं देख रहा था घरों से निकल रहे थे, तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा सीन दिया है। और इधर से देख सकते हो उधर से गाड़ी निकल रही है, वो देखो इसमें आदमी है। तो अभी चलते हैं दोस्तों। इधर डर भी लगता है क्योंकि मैं इधर से चलता हूँ और आदमी नहीं दिख रहे हैं, बीच बीच में आदमी हैं, तो बहुत उल्टे सीधे वाले आदमी दिख रहे हैं, काले काले वाले आदमी हैं, एकदम ब्लैक वर्क एकदम काले वाले आदमी दिख रहे हैं और डर भी लग रहा है। तो भाई यहाँ से चलना चाहिए हमको। तो भाई यहाँ रिक्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कुछ बोल देगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और मैं मैडम को बताया भी नहीं हूँ इधर आया हूँ, क्योंकि बस कोलगेट बहाना कोलगेट लेने आया हूँ, अभी कोलगेट लिया भी नहीं हूँ। तो चलते हैं अपने रूम पे। और इधर छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से दोस्तों। इधर कितने बंगाली लोग बैठे हुए हैं काम करने के लिए, इधर ऐसे लोग बैठते हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है, बैठना पड़ता है काम के तलाश में। और यहाँ एक आदमी नहीं है, कम से कम 100 आदमी होंगे, और सब दिहाड़ी वाले आदमी हैं, जो भी इटागारा काम में आते हैं, जो भी आज़ाद काम में आते हैं, वो ऐसे बैठ बैठे काम के तलाश में रहते हैं, यमनी रहते हैं, बांग्लादेश के रहते हैं, हिंदी नहीं। तो भाई मैं ये कोलगेट ले लेता हूँ 5 रियाल का भाई। तो इधर से दही वही लेना था, और दही नहीं लूँगा अभी क्योंकि अभी अंडा दही भी ले लेता हूँ एक, क्या करें, सामान तो लेना पड़ेगा खाने के लिए है तो सामान लेना पड़ेगा। तो रोटी वोटी भी लेना है, रोटी भी ले लेंगे फटाफट। चलते हैं नाश्ता वास्ता करके फिर मिलते हैं दोस्तों आगे, क्योंकि ये बकाला है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं सामान खरीद लिया और चलता हूँ, ब्रश व्रश करूँगा और अभी नाश्ता वास्ता करके रेडी होता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। बस आज का वीडियो छोटा ही रहेगा दोस्तों। जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार, थोड़ा कम दिखा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा भर भर के झोला फेंको यार, ताकि हम भी खुश हो जाए और मन लगाए वीडियो बनाने में। तो चलो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।